ये अभी सबसे बड़ी बात है कि जो हमने आपको कह दिया, सरकार की तरफ से हम सिर्फ नीतियों की बात करते हैं। जैसे अभी पार्टी के तरफ से कहा ना इंडिया गठबंधन के बारे में कि हम लोग पार्टियों को देखते हैं, चेहरा नहीं देखते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, मंत्री विजय चौधरी का के पाठक पर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जब के पाठक से जुड़ा हुआ सवाल मंत्री विजय चौधरी से पूछा गया तो किस तरीके से खूब गर्जे हैं। सबसे पहले आप विजय चौधरी को सुनिए। तो राज्यपाल को जो कहें वो देखेंगे, जो उचित होगा करेंगे, उसमें आपको दिक्कत कहाँ लगती है? आपको इसमें दिक्कत क्या लगती है? अगर कोई अधिकारी, हमने तो सरकार की नीतियों के बारे में बताया है ना, हर अधिकारी के हर एक क्रियाकलाप के जिम्मा और उत्तरदायित्व उसका होता है। किसी को शिकायत होता है तो उसके निवारण की प्रक्रिया बनी हुई है, वो उसके तरफ जाते हैं। जो निवारण का तरीका होगा, जो उसमें सक्षम प्राधिकार होगा, उसका जो फैसला होगा आएगा नहीं। इसलिए अभी सबसे बड़ी बात है कि जो हमने आपको कह दिया, सरकार की तरफ से हम सिर्फ नीतियों की बात करते हैं। जैसे अभी पार्टी के तरफ से कहा ना इंडिया गठबंधन के बारे में कि हम लोग पार्टियों को देखते हैं, चेहरा नहीं देखते। चलिए, आपने सुना, देखे के पाठक जो कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं, इन दिनों सुर्खियों में हैं, जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। देखिए, शिक्षकों को लेकर के आदेश जारी करते हुए के पाठक हमेशा आपको दिखाई देते होंगे। फरमान उनका आपको पता होगा, एक कर एक बड़े फरमान लगातार जारी कर रहे हैं, मगर सियासत भी गर्म है। तमाम महागठबंधन के जितने भी बिहार विधान परिषद के जो नेता हैं, उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया है, आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। वहीं जब सवाल पूछा गया मंत्री विजय चौधरी से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं उनके कामों पर टिप्पा टिप्पणी वो नहीं करेंगे। सरकार जो बिहार में चल रही है वर्तमान में, उससे जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई बातों को हम बताते हैं और उनका ही व्याख्या करते हैं। देखिए, के पाठक को लेकर के क्या कुछ मंत्री विजय चौधरी कह रहे थे आपने बाको भी सुना है, मगर वहीं सियासत भी गर्म है। देखिए, एमएलसी संजय सिंह का पेंशन रोक दिया गया था, संजय सिंह भी बहुत गुस्से में हैं, लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, के पाठक पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें शिक्षा विभाग से हटा देना चाहिए, तमाम बातें चल रही हैं। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।